हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है महाट्रांसको की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, महाट्रांसको यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 223 असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एई की वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एई की जो कुल वैकेंसियां निकाली गई हैं वो 223 निकाली गई हैं। उसमें असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए 170 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 25 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए कुल 28 वैकेंसी हैं। और उसके अलावा इन सभी 223 वैकेंसियों को अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट पे कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। अब बात करें इन सभी 223 एई के वैकेंसियों पे कैंडिडेट के मंथली रेमुनरेशन के बारे में, तो इन सभी पोस्ट पे कैंडिडेट का जो ग्रोस मंथली रेमुनरेशन रहेगा वो 80,962 रुपए रहेगा। अब बात करें यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के बारे में, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने यहाँ पे बीई या बीटेक कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने जो है वो बीई या बीटेक कर रखी हो सिविल में और इन सभी पोस्ट पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ की जो क्रूशियल डेट रखी गई है क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए वो 24/5/2022 रखी गई है। अब बात करें इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में, तो जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 38 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 43 साल रखी गई है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट है वो 45 साल रखी गई है। स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी यानी उनकी जो अपर एज लिमिट रहेगी वो 43 साल ही रहेगी। और जो एमएससी टीसीएल के एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 57 साल रखी गई है। और आपका जो बर्थ प्रूफ के तौर पे जो सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा उसमें एसएससी या एसएलसी सर्टिफिकेट ही जो है वो वैलिड माने जाएंगे। और एज लिमिट को चेक करने के लिए भी जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 24/5/2022 ही रखी गई है। अब बात करें यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इन सब वैकेंसियों पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे होगा। कैंडिडेट का जो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो है वो कैंडिडेट का मराठी लैंग्वेज का टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा ये कुल 150 नंबर का होगा और इस 150 नंबर को जो है वो बाद में 100 नंबर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट की जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स लगेगी। यहाँ 1/4 की यानी कि 0.25% की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और इस रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही कैंडिडेट का इन सभी वैकेंसियों पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने आपका जो ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट होना है इसके एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी डाली हुई है। इन्हीं सेंटर्स पे या इन्हीं सिटीज में आपका ये ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो तीनों ही कैटेगरी में जो पोस्ट निकाली गई हैं उन सब पे जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 700 रुपए रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ऑर्फन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो 350 रुपए रखी गई है। दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। अब यहाँ पे बात करें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इन सब वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ शुरू हो चुके हैं 4/5/2022 से और आप 24/5/2022 तक इन सभी 223 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इन सभी 223 वैकेंसियों पे वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनके पास स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ गाइडलाइन बताई हुई, कैंडिडेट को इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटोग्राफ की इमेज, अपना साइन, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।